हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ कि जो मेरा परिवार है वो एकदम मस्त होगा, खुश होगा और बहुत पॉजिटिव होगा। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है उस पर मैं आपके साथ एक ऐसी कमाल की हेयर रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके बालों से जुड़ी हुई हर समस्या को दूर कर देगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस रेमेडी को हम तैयार करने वाले हैं केवल और केवल 2 मेन इंग्रेडिएंट की हेल्प से। आपको कोई भी मार्केट से तामझाम लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कमाल की रेमेडी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला कि अगर आपका हेयर फॉल हद से ज़्यादा हो रहा है और नहीं कंट्रोल हो रहा है तो ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी। सेकेंड, अगर आपके डैंड्रफ की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जैसे कि विंटर्स में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है वो आए दिन आती जाती रहती है, तो आपके डैंड्रफ को दूर करेगा। साथ ही साथ अगर आपका डैंड्रफ है तो उसको ख़त्म करने में हेल्प करेगा और फ्यूचर में डैंड्रफ आने से रोकेगा। थर्ड, आपकी हेयर ग्रोथ को कमाल का प्रमोट करेगा। अगर आपकी हेयर लेंथ नहीं इंक्रीज़ हो रही है तो आपके बालों की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करेगा। साथ ही साथ अगर आपके बाल चले गए हैं तो उनको वापस लाने में हेल्प करेगा। और फोर्थ, कि अगर आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर हो चुके हैं तो उनको रोकेगा। अगर आप इस ऑयल को यूज़ करेंगे तो जो आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर हैं वो नहीं होंगे और जो हो चुके हैं उनको धीरे धीरे वापस से ब्लैक करने में हेल्प करेगा। तो बहुत ही कमाल की रेमेडी है और इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन को देखने के लिए, जानने के लिए आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक विदाउट स्किपिंग, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस कमाल की रेमेडी को हम प्रिपेयर करते हैं। ऑयल बनाने के लिए हमको चाहिए कोकोनट ऑयल और एलोवेरा लीफ। सबसे पहले क्या करना है, इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और जो उसका फ्रंट पार्ट है जहाँ से हमने एलोवेरा लीफ को कट किया था उसको थोड़ा हटा के रिमूव कर देंगे। अब बहुत सिंपल है, हमें इसका जेल बिल्कुल नहीं निकालना है, हमको अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है बस ऐसे। अगर बड़ा है आपका पोर्शन तो थोड़ा बीच में से हाफ करके इसको छोटे छोटे पीसेस में बस हमें कट करना है। बहुत इजी है प्रिपेयर करना ये ऑयल और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। हमने एलोवेरा लीव्स को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद हमें डबल बॉयलर की हेल्प से इस ऑयल को प्रिपेयर करना है। उसके बाद किसी भी बर्तन में या पैन में 2 ग्लास पानी ऐड करके गर्म होने के लिए रख देंगे। उसके बाद आप कोई कटोरी लीजिए या फिर आप कोई ग्लास की कटोरी ले सकते हैं, कोई ऐसा पैन ले सकते हैं। उसके बाद हमको यूज़ करना है कोकोनट ऑयल। ये नॉर्मल कोकोनट ऑयल है जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाता है, आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 स्पून कोकोनट ऑयल। आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, मतलब जितना ऑयल आपके बालों में रिक्वायर्ड है उतना आप ऑयल लीजिए। मैं इसमें 2 स्पून के अराउंड ऑयल ले रही हूँ। जो हमने पानी गर्म करने के लिए रखा था वो पानी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, पैन को हम इसमें रख देंगे। हमको इस ऑयल को डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, डायरेक्ट हॉट नहीं करना है, हमको डबल बॉयलर मेथड से ही इस ऑयल को प्रिपेयर करना है। हमारा ऑयल मेल्ट होने लगा है, जो हमने एलोवेरा लीव्स यहाँ पर कट करके रखा था इसको इसमें ऐड कर देंगे। जो गैस की फ्लेम है उसको मीडियम रखना है और ऑयल को 4 से 5 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। इस ऑयल को हमें बीच बीच में चलाते भी रहना है जिससे हमारा ऑयल एलोवेरा में अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ ही साथ जो एलोवेरा के विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं वो कोकोनट ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ही इजी है इस ऑयल को प्रिपेयर करना, हमें ना ही इसमें कोई जेल को एक्सट्रैक्ट करना है, केवल लीव्स को छोटे छोटे पीसेस में कट करना है और ऑयल में मिक्स कर लेना है। 4 मिनट हो गए हैं, हमारा ऑयल प्रिपेयर हो चुका है। जो हमारा कोकोनट का ऑयल था वो चेंज होके इस कलर का हो गया है और जो एलोवेरा लीव्स थी वो भी अच्छे से इस ऑयल में मिक्स हो गई हैं। एलोवेरा लीव्स में न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल्स थे, विटामिन्स थे, वो सारे इस कोकोनट ऑयल में मिक्स हो गए हैं। तो हमारा ऑयल बनके रेडी हो गया है। अगर आप इस ऑयल को कटोरी में बनाएं तो आप थोड़ा ध्यान रख के निकालिएगा, बहुत गर्म होता है तो अब तो जलने के थोड़े चांसेस हो सकते हैं। इस ऑयल को हल्का सा ठंडा होने के बाद हम स्ट्रेन कर लेंगे। हमको इस ऑयल को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हम इसको ईजिली हाथों पर लेके अप्लाई कर सकें, इससे हमारी हॉट ऑयल मसाज भी अच्छे से हो जाएगी। अब हम इस ऑयल को इसमें स्ट्रेन कर लेंगे, वो प्रेस करेंगे जिससे जिसमें ऑयल रह जाए वो आराम से अच्छे से यहाँ से निकल जाए। अगर आपको ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है या वाइट हेयर्स हो रहे हैं आपके भी, तो अगर आप इस ऑयल को लगाएंगे तो आपको उससे रिलीफ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। हमारा ऑयल बनके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितने कमाल की और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से हमने इस रेमेडी को बना के तैयार कर लिया है। इसमें हमने यूज़ किया है एलोवेरा,
जो कि हमारे बालों के लिए वरदान की तरह काम करता है। मतलब एलोवेरा हमारे बालों की हर समस्याओं को दूर करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर आपके बाल स्मूथी नहीं है, फ्रिजी है, रफ है, तो आपके बालों को स्मूथ, सिल्की और सॉफ्ट भी बनाएगा ये एलोवेरा का जो ये ऑयल हमने प्रिपेयर किया है। पर अगर आप चाहें तो इसको लार्ज क्वांटिटी में भी प्रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं, किसी ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके। नहीं तो बहुत ही ईजी, आप इसको डेली भी, जब भी आपको ऑयलिंग करनी हो, तब इस ऑयल को प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की जो रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अब बात आती है कि आपको यूज़ कैसे करना है। आपको इस ऑयल को अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए वीक में 3 बार यूज़ करना है। जब भी आपको हेयर वॉश करना है, उससे पहले आपको इस ऑयल को यूज़ करना है। अगर आप नाइट में इस ऑयल को यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप नाइट में इस ऑयल को अच्छे से अपने बालों पर अप्लाई कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपका जो हेयर फॉल है, मतलब हद से ज़्यादा वाला हो रहा है, अगर आपने अपने बालों में हाथ डाला और आपके हाथों के साथ बहुत सारे बाल आ गए, इस तरीके का आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप कॉटन बॉल को डिप करके इस ऑयल को अपने स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई कीजिए। पूरे स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए पार्टीशन करके, और उसके बाद बहुत ही हल्के हल्के हाथों से चम्पी कीजिए। आपको हैवी मसाज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे करेंगे तो जो आपका हेयर फॉल है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। हल्के हल्के हाथों से मसाज कीजिए, और अगर आपका नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा है और अगर आप हेयर ग्रोथ के लिए या फिर प्री मैच्योर ग्रे हेयर के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप फिंगर टिप की हेल्प से इस ऑयल को अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, अपने पूरे रूट्स में, हेयर लेंथ में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। और इस ऑयल को आपको रखना है ओवरनाइट के लिए, और ओवरनाइट के बाद आपको मॉर्निंग में किसी भी माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है, जो आप रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं। और अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते तो आप क्या कीजिए, जब आप अपने बालों को हेयर वॉश करें, उससे 2 से 3 घंटे पहले इस ऑयल को अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आप इस ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने जो रिज़ल्ट है अपने आप देखे, मेरा भी एक टाइम पर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने ये एलोवेरा और कोकोनट ऑयल वाला जो ऑयल है, इसको अपने बालों पे यूज़ किया और मुझे कमाल के रिजल्ट्स मिले। जो मेरा हेयर फॉल था बहुत हद तक कम हो गया था। और हमने यहाँ पर यूज़ किया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ से मिक्स हो जाता है, इन्फ्यूज़ हो जाता है, तो ये एलोवेरा जेल को बहुत ही जल्दी अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा बहुत ही अच्छे से। मतलब जो ये कमाल की रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी। अब बात आ रही है कि कुछ लोगों को कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है, तो वो क्या करें, तो आप ऑलिव ऑयल या फिर तिल का तेल, सेसमे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा ऑयल को प्रिपेयर करने का, तो आप इस तरीके से इस ऑयल को प्रिपेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा कमाल का ऑयल है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप 1 मंथ तक इस ऑयल को अप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट है आपको खुद दिखेंगे। आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल हो जाएगा, आपका जो डैंड्रफ है वो चला जाएगा, आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी, जो रिज़ल्ट है आपको खुद दिखेंगे, आप खुद महसूस करोगे कि सच में जो ये ऑयल है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। सिंपल सी रेमेडी है, लेकिन जो इसके रिज़ल्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ही कमाल के हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। और ट्राई करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको वापस मेरे चैनल पर आना है, जो अपने एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ शेयर करने हैं। साथ ही साथ अगर आपको जो आज की वीडियो है पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या फिर जहां आप शेयर कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ जो बेल बटन है उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यही था मेरा आज का वीडियो, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।